हेलो गाइज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आई हुई है हमारी छोटी वाली ननद यानी हमारी दीदी। तो आज वो राखी से एक दिन पहले आ गई हैं और यहाँ पर राखी बांध रही हैं सोनी जी को। तो वैसे तो वो मतलब राखी वाले दिन ही आती है, लेकिन आज उनको घर में कुछ काम था तो इस वजह से एक दिन पहले आ गई हैं राखी से। तो आज ही राखी बांध कर चली जाएंगी। और वैसे तो राखी कल की है, तो अभी यहाँ ना हम सबको राखी बांध रही हैं और टीका कर रही है दीदी। देखो क्या कर रही है। पापा 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 हेलो गाइज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कि मैं रेडी हो गई हूँ भैया घर जाने के लिए। तो अभी क्या है ना, राखी का जो मुहूर्त है वो 2 बजे के बाद का है। तो अभी 2 बजे के बाद पूजा वूजा होगी और उसके बाद राखी होगी। तो फिर उसके बाद मैं भैया के घर जाऊँगी राखी बांधने के लिए। तो अभी सब तैयार हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। अरे मैंने आईलाइनर भी लगाया आज ग्रीन वाला। और अभी खुशी बांध रही है शुभ के राखी। तो अभी कर रही है टीका। और मीठे में उसको बालूशाही पसंद है तो बालूशाही लेके आई थी, वो खुद ही लेकर आया था शुभ। और सोनी जी भी बैठे हैं यहाँ, सोनी जी की भी राखी बांध दी है खुशी ने। और सोनी जी आज नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर आई है कुमकुम, वो भी शुभ को राखी बांधेगी। तो अभी टीका कर रही है, फिर राखी बांध रही है अभी यहाँ पर। अच्छा तो है, फोन नहीं करती।
और ये राखी मैंने भी बांध ली है, कल दीदी जो राखी बांध कर गई थी वो मैंने आज फिर से बांध ली। और अभी हम निकले हैं 4 बजे घर से, 4:30 बज रहे हैं, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं भैया के घर के लिए। तो अभी पहुंच गए भैया के घर, चाय नाश्ता हो रहा है अभी, फिर उसके बाद बांधूंगी मैं राखी। तो आ जाइए गाइस, आप भी पी लीजिए चाय और कर लीजिए नाश्ता। और अभी ना यहाँ पे ये बाहर ना काफी बड़ा पिंजरा बना रखा है, तो उसके अंदर ना ये तोते पाले हुए हैं। तो पहले तो छोटे वाले पिंजरे में रखे हुए थे, लेकिन ये बाहर काफ़ी बड़ा बना रखा है, तो इसमें ना प्लांट्स लगा रखे थे, बंदर वगैरह आ जाते थे ना वो उखाड़ देते थे, तो इसमें इसलिए इसके अंदर रखे हुए हैं प्लांट्स सेफ्टी के लिए। तो अब इसमें ना पैरट छोड़ दिए हैं, तो वो इसके अंदर ही उड़ते रहते हैं पैरट। तो पहले छोटे पिंजरे में थे, तो अभी इसमें डाल दिए हैं बड़े। और बस फिर गार्डन की कुछ फ़ोटो ली और बच्चों ने फ़ोटो खींची अपनी, और अभी ना मैं भैया को बांध रही हूँ राखी। और इस राखी पर ना काफ़ी मतलब सुना सुना सा लग रहा था, क्योंकि बड़ी दीदी थी वो एक दिन पहले आकर चली गई थी राखी बांधकर भैया को, और जो उनसे छोटी हैं वो बाहर गई हुई हैं अपने बेटे के पास, और जो मेरे से दो छोटी बहनें हैं वो जल्दी आ गई थी सुबह, तो फिर वो भी बांधकर चली गई थी, तो मैं सबसे लेट हो गई, मैं बाद में आई हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कोई नज़र नहीं आ रहा मेरी वीडियो में आज। तो मैं सबसे बाद में पहुंची थी जब वो लोग जा चुके थे, और वो गए थे और मैं फिर जब बाद में पहुंची थी, क्योंकि यहाँ पर घर पे भी मतलब बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, फिर उनकी नानी के घर भी जाना था, तो तेरे लिए खड़ी मैं, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो कोई नहीं, हर बार सब मिलते हैं साथ में, तो सभी को कुछ ना कुछ काम होता है, तो इस बार ना थोड़ा इसीलिए खाली खाली सा लग रहा है कि मतलब ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। और बाऊजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो अपने रूम में है, क्योंकि सुबह दोनों सिस्टर आई थी तो उनके साथ काफ़ी देर तक बैठे होंगे, बातचीत की होगी, तो थक गए होंगे, और मैं आई थी तो वो अपने रूम में सोए थे, इसलिए मैंने काफ़ी देर से राखी बांधी। बाद में मैं कहा जब उठ जाएंगे तभी मैं राखी बांधूंगी, और अभी मैं भाभी के राखी बांध रही हूँ, तो भाभी ने भी सब चेंज वेंज कर लिया था, तो इसीलिए कपड़े चेंज है भाभी के, तो सुबह साड़ी डाली हुई थी भाभी ने, तो कह लगी हमें, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं, और इस बार तो मैं मतलब साड़ी ज़्यादा डालती हूँ, तो इस बार तो मेरा भी साड़ी डालने का मन नहीं किया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने चलो कोई नहीं। और फिर मैंने ना मतलब मम्मी की राखी पहले ही निकाल के रख ली थी, तो जब अभी बाऊजी उठ गए थे तो फिर मैं उनके रूम में गई, पहले मम्मी को राखी बांधी, और अभी बाऊजी भी सोकर उठ गए हैं तो बाऊजी के भी बांध दी है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी अब ढीली सी रहती है, तो सो रहे थे। अभी फिर बच्चों से बात करने लग गए, बच्चों को बुला लिया अपने रूम में, फिर उनसे बातचीत करने लगे, पापा के बारे में पूछ रहे थे और अपनी तबीयत के बारे में बता रहे थे। और ये देखिए ये सब चीज़ें ना पेपर से बनाई हुई हैं, मतलब पेपर को फोल्ड कर करके बना रखी है ये चीज़ें, तो इस कला को ना ओरिगामी बोलते हैं,
जिसमें पेपर को फोल्ड कर करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं उसे ओरिगामी बोलते हैं। तो ये पेपर को फोल्ड कर करके बना रखी हैं। और बस अब जा रहे हैं हम घर, और रास्ते में ना ये जन्माष्टमी की भी तैयारी हो रही है अभी से ही, तो काफ़ी लाइटें वाइटें और झूले वूले लगे हैं। ये देखते हैं पीछे की तरफ ग्राउंड में हमारे यहाँ, तो अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है।